प्रेजेंट करें इसके क्या कहना उनके बारे में, साथ ही पायल दुबे जी निर्मात्री है और निर्देशक अजय कुमार जी। देखिए आप लोगों को एक बात बताऊं, जितेश दुबे मेरे बहुत प्यारे प्रोड्यूसरों में से हैं और मैं प्रोड्यूसर नहीं मानता उनको, अपना भाई मानता हूं और वो भी उतना प्यार देते हैं। पायल मेरी बेटी समान है, ये मेरा एक परिवार है। मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि आज बहुत दिनों के बाद मैं जितेश दुबे की पिक्चर के मुहूर्त पर आया हूँ और उसके बारे में बता रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तेरी आँखों में वो जादू है, इन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्टर लिया अजय कुमार को। अजय कुमार बहुत ही कैपेसिटी वाले, बहुत ही कैपेबल डायरेक्टर हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। रही बात एक्टरों की, तो हमारी इंडस्ट्री में एक ही रानी है और उस पिक्चर की रानी है वो, रानी चटर्जी, विनय आनंद और एक पांडे हैं, क्या वो कौन से पांडे हैं, सुदीप पांडे जी और विनय आनंद जी हैं। प्रिंस सिंह राजपूत है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है और साथ ही साथ बहुत उज्जवल भविष्य है। तो मैं यही दुआ करूँगी एक पिक्चर अच्छी बने और जितेश जी को फिर से वो मुकाम मिले जो उनका पहले मुकाम था। यही मेरी हार्दिक दुआ है, यही मेरी हार्दिक कामना है। थैंक यू वेरी मच। क्या करें, संगीत किस तरह का गीत संगीत है और कितना उत्साहित है? सर मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले जितेश दुबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस पिक्चर में मुझे संगीतकार के रूप में उन्होंने साइन किया है। बहुत खुश हूँ मैं, काफ़ी दिन के बाद इन्होंने पिक्चर स्टार्ट किया और मुझे ऑफर किया इस पिक्चर के लिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करूँगा अच्छा गीत संगीत बनाने की। कि आपको मालूम है कि इस टाइम थोड़ा माहौल ख़राब चल रहा है, लेकिन उससे अलग कोशिश करूँगा बनाने की। हमेशा अलग गाना बनाने की कोशिश हमेशा किया हूँ, आप लोग भी मालूम है, तो इस बार थोड़ा और मेहनत करूँगा ताकि अच्छा गाना बने और घर घर में सुने। जी सर देखिए, हर काम चुनौती है, हर समय चुनौती होती है कि नया करना पड़ता है हमेशा। मैं हर काम को चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ कि आप जब तक चुनौती नहीं लेंगे तो आपका अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैं हर काम को चुनौतीपूर्ण लेता हूँ और कोशिश करूँ कि अच्छा गाना बनाओ, इसमें मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। जितेश जी के बारे में, पायल जी के बारे में और अजय जी करें क्या कहना चाहेंगे कि ये सब निर्माता निर्देशक और प्रेजेंटर हैं, तो किस तरह से उनको आप सपोर्ट करेंगे? जी मैं सबसे पहले जितेश दुबे जी और पायल दुबे को मैं धन्यवाद देता हूँ और अजय जी को भी धन्यवाद देता हूँ इस पिक्चर के लिए मुझे उन्होंने चुना। और मुझे उम्मीद है कि लोग बहुत अच्छी पिक्चर बनाएंगे, पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है। और जितेश दुबे जी के बारे में मालूम होगा आपको कि पहले भी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्म दी है। और अजय जी के बारे में मैं बता दूं, उनके साथ मैंने ठोक दे पिक्चर किया था पवन सिंह और अक्षरा सिंह, तो वो भी काफ़ी पिक्चर चली थी, गाना भी हिट हुए थे। और ऑलरेडी मैं अजय जी के साथ 3-4 पिक्चर मूवी कर रहा हूँ, अभी शूट होके आया है और देखिए ये भी हो रहा है, तेरी आँखों में वो जादू है। तो जादू को मैं दर्शाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह वो टाइटल सॉन्ग बनता है, कि दिमाग में मेरे घूम रहा है अभी अभी, तो मैं देखा हूँ कि टाइटल ले है, तो कोशिश करूँगा कि अच्छा बनाओ गाना। पिछला साल और ये साल भी काफ़ी मुश्किल रहा है, तो आपका कैसा सफर रहा, मतलब किस तरह से काम किया आपने, काम था भी या नहीं था, किस तरह का काम किया, जो भी काम प्रोजेक्ट सर प्रोजेक्ट तो काफ़ी हाथ में है, जैसे आपको मालूम है पिछला लॉकडाउन में सबकी स्थिति खराब थी, उसके बाद कुछ पिक्चर में 4-5 पिक्चर मैंने स्टार्ट की तो सब आधे अधूरे रह गए, फिर लॉकडाउन लग गया। तो अभी करीब 20 तारीख से कोशिश है कि सारे पिक्चर को कंप्लीट करके दूं और ताकि आगे शूटिंग हो उसका। और ये भी अभी आया 2-3 पिक्चर और अब नई मूवी मैंने साइन किया है, तो उस पर भी अभी काम चालू है, वो सबको पूरा करूँगा मैं जी। थैंक यू। और जब मल्टी स्टार प्रोजेक्ट रहता है तो सभी उत्साहित रहते हैं, ग्रुप बड़ा रहता है, तीन हीरोइन की कहानी है, कुछ करेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो ग्रुप टीम बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसमें बहुत मज़ा आता है ऐसे पिक्चर में काम करने में। दीदी फिर भी कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट का जो थीम है वो बता सकते हैं, तो बताइए कि क्या थीम है और जो मल्टी स्टार लेने का आपने सोचा, क्या सोचा कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी डिफिकल्ट अभी फेस, इसीलिए तो मल्टी स्टार लिया कि सब साथ में काम करें, सब घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे। देखिए बेसिकली बहुत ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, मसाला फिल्म है, और बाकी तो आप डायरेक्टर साहब से पूछे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको। हो गया ना, वो जादू का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे इसके प्रेजेंटर जितेश जी के बारे में, निर्मात्री जो हैं पायल दुबे और निर्देशक अजय कुमार जी के बारे में? कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है, जैसा नाम बताता है, एक रोमांटिक फील भी देता है और मुझे लगता है आज जो हालात हमारे यहाँ पे है, भयावह परिस्थितियों के बाद में लोगों को
फिर से एक बार इंडस्ट्री का रुझान होने जा रहा है. सो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट चीज़ अगर कुछ हो सकती है तो वो है एक एंटरटेनिंग फिल्म. और जितेश दुबे जी और पायल दुबे जी इसके निर्माता है, तो मुझे लगता है इनका इंडस्ट्री से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ था और एक कमबैक ज़रूरी था. तो मुझे लगता है इससे बेस्ट फिल्म हो नहीं सकती है क्योंकि ये कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है और हमारी इंडस्ट्री आप जितनी देखेंगे सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे चलती है. म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट ये हमारी इंडस्ट्री का बेस है. सो आई रियली वॉज वेरी हैप्पी बीइंग कनेक्टेड विद दिस. ये भी कह सकते हो मल्टी स्टार फिल्म है. आपके अलावा रानी जी भी हैं, गुंजन जी भी हैं और एक्टर में भी आपको प्रिंस जी हैं, विनय जी हैं और सुदीप जी हैं. क्या कहना चाहेंगे मल्टी स्टार फिल्म में काम करने का पहले का अनुभव कैसा था और बाकी जितने आर्टिस्ट हैं उनके कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले डायरेक्टर के बारे में बताऊँगी मैं. हमारे डायरेक्टर सर हैं अजय कुमार जी. इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी फिल्में जितेश दुबे जी की फिल्मों में के साथ में ये डायरेक्टर रहे हैं. और सैयां सुपरस्टार, फिर यादव पानी भंडार और काफ़ी सारी फिल्में की हुई हैं जो कि काफ़ी चर्चित रही हैं. तो उसके बाद में जब ये जुड़ना हो रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म 100% बनने जा रही है और उसका मैं पार्ट हूँ. हमारी इस फिल्म में जो कलाकार हैं हमारे सह कलाकार में है रानी जी, कुंजन जी और सुजीत जी, प्रिंस जी और विनय आनंद जी, जो एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं. और स्पेशली गर्ल्स, हम लोगों को कभी मस्ती मजाक के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट एंटरटेनर लाइट कॉमेडी और लोगों को हंसाएगी और हो सकता है एट दी एंड कुछ ऐसे इमोशंस भी हो जो लोगों को बहुत पसंद आएंगे. सो मज़ा आ रहा है. इसका ये समझा कि मतलब पास में भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे रिसेंटली, जो कहना चाहेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था जिसमें आपने काम किया, क्या कहें और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स को? मुझे लगता है कि देखिए जब भी जो भी काम करो दिल से करो और खूब मज़ेदार करो, यही मेरा मानना है. तो ये फिल्म जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों करूँ फिल्म. तो मेरे लिए हमेशा मायने रखता है कि जब भी कोई काम करो तो लोगों को कुछ उसमें मिले. मुझे लगता है कि बहुत समय बाद कोई एक ऐसी फिल्म जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, बहुत टाइम से मैंने बहुत सीरियस टाइप का काम काफ़ी किया लेकिन एंटरटेनर कॉमेडी और इस टाइप के सब्जेक्ट्स से हम लोग बहुत मतलब मैं भी काफ़ी हट गई थी. तो जब इन्होंने कहा कि उनकी ज़िद थी कि आपको इस फिल्म का पार्ट बनना है क्योंकि कई सारी फिल्मों की जो एंटरटेनमेंट फैक्टर मेरी रही थी वो मिसिंग थी, मैं कर नहीं पाई थी. तो उन्होंने जब कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ why not, let's just give it a try and do some entertainment for the audience. Lastly, जान चाहूँगा इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट है जो पढ़ रही हैं या कोई ऐसा एक्साइट कर रहा है आपको प्रोजेक्ट जो? जी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी अप्रोच हो रहे हैं सिंस लॉकडाउन अनलॉक होने के स्टेट में भी शुरू हो चुका है. तो नो डाउट प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स जब भी रहेंगे चुनिंदा फिल्में मैं करूँगी ताकि लोगों से मेरा जो जुड़ाव है वो भी जुड़ा रहे और कंटिन्यूसली मुझे उनका प्यार मिलता रहे. अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सब लोग? तो आप अब भोजपुरी के सबको दर्शकों को मनोरंजन करते थे, बंगाली हो गई है, बंगाली में लगाना आपका बहुत फेमस हो गया है, कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि मुझे इस अच्छे ब्रेक की बहुत ज़रूरत थी. इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से कोई ज़्यादा चर्चित और अच्छा काम मैं कर नहीं पा रही थी और जब मुझे गाना अप्रोच किया गया तो मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि नॉर्मली एल्बम्स में करना है नहीं करना है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था. मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट है और गाना बड़ा चटकदार लगा. तो जब भी जब मतलब कॉल आया मुझे, मैं फट से मैंने उसको हाँ कह दिया. और बंगालियों के लिए कुछ बंगाली में बोलना चाहेंगे? बंगालियों के लिए बंगाल में यही बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ी कर मैं उसी के लाइन्स बोल सकती हूँ. चाय खाते हमारे यहाँ पे तो पीते ऐसे ही होता है पर यहाँ पे पीते नहीं, यहाँ पे खाते हैं. सो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है. लॉकडाउन में काफी सबसे ज्यादा मजा मुझे इस गाने में, लॉकडाउन में काफी लोग बोर हो चुके थे, आपके गाने से काफी लोगों ने इंटरटेन किया और पूरा लॉकडाउन काट डाला. जी, लॉकडाउन खुल चुका है जी, मतलब पूरा लेकिन एंटरटेनमेंट जारी रहेगा. जारी है तो क्या नया कुछ आने वाला है? अभी जस्ट अगला गाना, दो गानों की सफलता के बाद में तीसरा गाना अभी जस्ट शूट हुआ है और इसको आप बोल सकते हैं बंगलिनिया पार्ट 2. सो आप लोग इस गाने को जरूर जल्द ही देखेंगे, इसका मज़ा उठाइए और बड़ा तड़कदार फड़कदार वाला गाना है ये, नाच की मलकिनिया. सो नाच की मलकिनिया क्या रंग दिखाती है आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा. थैंक्स मैम. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे इसके प्रेजेंटर के बारे में, जितेश जी के बारे में और अजय जी जो कैरेक्टर हैं? जितेश जी को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा
बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितेश जी के साथ मैंने पहले भी फिल्में की हैं। एक फिल्म आई थी ब्रिजवा और सांवरी आई लव यू, ये फिल्म मैंने जितेश जी के साथ की थी और उसको 7 से 8 साल हो गए। और जितेश जी मेरे पास आए, बोले कि मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, आप करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने चलो फिर से एक कॉम्बिनेशन जो है फिर से आएगा। इस फिल्म में मैं हूँ, रानी चटर्जी हैं, रानी के साथ भी मैंने कई फिल्में की, फिर बाकी हेगड़े जो हैं इतनी फिल्में की, 60-70 फिल्में की, लेकिन बाकी के साथ कभी स्क्रीन शेयर किया ही नहीं, तो इस बात की खुशी है। और जो मेरे डायरेक्टर हैं अजय जी, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की थी हम दोनों में पागल प्रेमी, तो इट इज़ फंटेबलस फिल्म और मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और हमें तो हमारी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी वाइफ को भी वो फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड आई कैन से ही इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर। तो अजय जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़िम्मेदार डायरेक्टर हैं और ये फिल्म वो बहुत अच्छी बनाएंगे, मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास है। साथ ही मेरे सह कलाकार साथ में जो और दो स्टार्स हैं, सुदीप पांडे जी हैं, सुदीप जी और मैंने ब्रिजवा की थी और दंगल की, और मतलब सुदीप भाई के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रैपो है। और साथ ही नए सुपरस्टार प्रिंस राजपूत हैं वो हैं, फिर मेरे मित्र संजय जी हैं, ब्रिजेश जी हैं, गुंजन पंत है जो कि मेरी फेवरेट मेरी दोस्त है, हमने बहुत फिल्में की। तो ये एक परिवार की तरह एक हम सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत काम किया और सभी लोग इस फिल्म में हैं। तो आप ये कहिए कि ऐसा लगेगा जैसे जितने बेस्ट कलाकार हैं वो सभी लोग एक फिल्म में आ चुके हैं, तो ये फिल्म अच्छी बने। और मेरी तरफ से जो होगा ऐसा कलाकार मैं बेस्ट करूँगा, बाकी हमारे भोजपुरी या जनता लोग से हम यही कह के रहा लोग अपन आशीर्वाद दें। और ये साल हमारे तो भोजपुरिया में दम्बा ये सिनेमा रिलीज हुई, एक हिंदी सिनेमा भी हम कई लेबानी हुए आपता, और साथ ही साथ ही आज ये सिनेमा के लॉन्च हो गए था, तो रवा लोग भोजपुरिया दर्शक लोग अपन भरपूर स्नेह प्यार आशीर्वाद की सिनेमा के जरूर दी हम ये कहा। धनिया जी, इस फिल्म में 3 हीरोइने हैं, आप किस हीरोइन के साथ नजर आएंगे? मतलब सबसे अच्छी कौन लगती है, उसी का नाम बताइएगा। मुझे तो तीनों बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तीनों ही इतनी बढ़िया आर्टिस्ट हैं। रही बात मेरी साथी कलाकार की, तो जहाँ तक मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया है कि रानी चटर्जी हैं, रानी अपने आप में बहुत अच्छी है, पाखी जी बहुत अच्छी है, गुंजन पंत बहुत अच्छी है। तो तीनों ही जो हीरोइंस हैं ये अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी सुपरस्टार्स हैं और इनके बहुत दर्शक हैं, बहुत चाहने वाले हैं। तो इन तीनों के साथ बहुत विनय बहुत आनंद मिला है साथ में। पिक्चर का नाम है तेरी आंखों में वो जादू है, तो वो जादू सबसे ज़्यादा किस में दिख रही है आपको? ये तीनों हीरोइन, ये तो आप बचने के लिए बोल रहे हैं तीनों में है? नहीं, बचने की बात नहीं है। हाँ, ये तीनों जादूकरनी है। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ, मतलब रानी चटर्जी हैं, पाखी हो गई, गुंजन हो गई, मतलब ये तीनों इतनी मतलब भोजपुरिया दर्शक जो है इन्हें इतना चाहते हैं तीनों को, तो हम कैसे नहीं चाहेंगे? हाँ, तो मनुष्य है ना भाई। आपके साथ और दो भाई इसमें, सुदीप पांडे जी हैं, प्रिंस सिंह राजपूत जी हैं, क्या तीनों का कम्युनिकेशन कुछ है? सुदीप पांडे जो हैं एक हमारे एक्शन स्टार जाने जाते हैं, और खुशी की बात यह है कि मैंने इनके साथ दो तीन फिल्में की जिसमें से तीनों अच्छी चली, ब्रिजवा और भैया भोजपुरिया और दंगल, तो तीनों फिल्में अच्छी चली। तो सुदीप के साथ बहुत अच्छा मेरा रैपो है। बाकी प्रिंस राजपूत जो है ये हमारे युवा कलाकार हैं, लेटेस्ट सुपरस्टार हैं ये, भगवान करे आगे बहुत अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो देयर इन दिस सिनेमा। तो ये एक फिल्म के लिए अच्छा है कि सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं है, शुक्र है इस बात का। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे साथ और सुपरस्टार्स हैं, सभी लोग हैं, तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही कंधे पे नहीं है, इन सभी लोगों के कंधे पे भी है, इस बात की मुझे खुशी। अच्छा, पूरे लॉकडाउन में इस बार आपने क्या किया? वही जो सभी लोग करते हैं,
मैं बड़ा लकी रहा क्योंकि मेरी मैंने बॉलीवुड फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने खुद लिखा है जिसकी शूटिंग शिमला में हो चुकी है। वो एक हिंदी फिल्म है और उसका टाइटल मैं बहुत जल्दी सभी लोगों को बताऊंगा। और 20 वर्ष के बाद मैं बॉलीवुड में कम बैक कर रहा हूँ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कितने साल हो गए, लो मैं आ गया, दिल ने प्रयाद किया, सौतेला, जहाँ जाइए गा में पाइए, इतने साल बाद मैं फिर से हिंदी फिल्म कर रहा हूँ। और इसके बीच में मैं मुझे इतनी सारी भोजपुरी फिल्में करने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना काम मैंने किया। फिर से मुझे मौके पर मौके ईश्वर देता है, आप सभी लोग देते हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मामा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसके लिए? मामा के बारे में। गोविंदा जी तो लेजेंड है। कृष्णा अफशक भी जब भी पर्दे पाते हैं टेलीविजन पर, लॉकडाउन में हमने काफ़ी देखा, तो मामा का जरूर याद करते हैं, आप कितना उनको याद करते हैं? कृष्णा जो याद करता है उसका तरीका कुछ अलग है याद करने का, मैं कुछ अलग तरीके से याद करता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं गौतम बुद्ध की तरह मैं आदमी की अच्छाइयों को देखता हूँ, ना कि उसकी बुराई है, क्योंकि बुराई तो सब में है। तो ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों का या अपने सीनियर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी एज अ ह्यूमन हम सभी लोगों से बहुत आशाएं रखते हैं, लेकिन वो सभी लोग पूरी कर पाए न जाने उनकी क्या मजबूरी हो जो हम नहीं जानते। तो किसी को दोष देना ठीक नहीं है, हमें अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। आज का जो दिन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इतने कोविड और करोना के इतने दुख हम सभी लोगों ने झेल लिया है। इसमें मतलब आपका जो फिल्म बना था पहले, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हो रहा था लॉकडाउन में? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि सभी लोगों की आमदनी अठन्नी जो है वो 54.25 पैसे हो गई होगी, क्योंकि आ कुछ नहीं रहा था, जा ही जा रहा था, तो अब कुछ आ रहा है और पैसे मिल रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। भैया पैसा अगर कमाए के बाद अगर तो भैया लोग काम करेंगे, पढ़े लग वाले तो ही जनते बानी, तो भाई हम सिनेमा साइन कहले बानी और रवा लोग के आशीर्वाद हुई तो भरपूर और बहुत सारा काम करें। बहुत बधाई इस फिल्म के लिए। हम चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल गतिविधि की तरफ। मनोज जी और रवि किशन की तरफ से अभी जारी हुआ है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए सिर्फ अश्लीलता को लेकर के, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, रवि किशन भाई ने ये मुद्दा उठाया, मनोज तिवारी भाई ने ये मुद्दा उठाया, वो इस लायक हैं, वो उस जहाँ पे हैं उस जगह पे हैं जहाँ उन्हें वो लाइसेंस मिला हुआ है कि वो कुछ भी बात कर सकते हैं। और अश्लीलता वाकई में हमारे भोजपुरी समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को ख़त्म होना चाहिए। और मैं जितने नौजवान कलाकार जो इतनी मेहनत करते हैं, गाना गाते हैं, सब करते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मैं जानता हूँ कि नाम कमाना बहुत मुश्किल है, ऊपर आने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन फिर भी रहुआ लोग कोशिश करें कि ऐसे गीत गा के अपन भोजपुरी समाज के नाम के मिट्टी में ना मिलाएं, बस यह बात। थैंक यू सर। क्या करना चाहेंगे इसके प्रेजेंटर जीतेश जी के बारे में, निर्देशक अजीत के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, और विनय आनंद जी के बारे में जो आपके पोस्टर आ चुके हैं पहले भी तो अभी भी रहने वाले हैं, तो कैसा अनुभव लग रहा है आपको? जी बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली कोई भी फिल्म बनती है तो बहुत ही सबको खुशी होती है, और इस फिल्म की सबसे ख़ास बात है कि ये मल्टी स्टारर फिल्म है और जितने भी कलाकार हैं इस फिल्म में सब हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, तो बहुत ही धमाल होने वाला है। और जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, अजय गुप्ता जी, उनके साथ मैंने पहले एक फ़िल्म की है यादव पान भंडार, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। हम सेट पे एकदम कंफर्टेबल सब लोग आर्टिस्ट रहते हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आएगा। जितेश दुबे जी की बात करें तो उनके साथ मैंने पहले भी 3 फिल्म्स की हुई हैं और एकदम पारिवारिक माहौल रहता है, और ही इज वंडरफुल पर्सन। और विनय जी की जहाँ तक बात करूँ तो ही इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट। एकदम पारिवारिक माहौल रहता है, एकदम पति पत्नी की तरह, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एकदम मतलब देखिए अभी मेरी हीरोइन है तो मैं मस्ती कर सकता हूँ, और देखिए इनकी आँखों में जो है ना जादू है, तो इसलिए भैया लोग हम क्या बताएं, हम चश्मा पहन ले बानी, काहे कि अगर इस चश्मा से ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया ना तो जादू ना अंदर घुस जाला और अंदर का जादू उग जाला, बुझ गई नहीं?
था रवा लोग तेरी आंखों में वो जादू है, जो कि इनकी आंखों में जादू है और इतने ये है इनका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर, आप देख सकते होंगे अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, मतलब इतना सेट पे हम लोग मस्ती करने वाले हैं, इतना हंसाने वाले हैं और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है जब भी मुझे विनय जी के साथ काम करना। देखिए गुंजन जी, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, उसका रीज़न ये है कि फिल्म में तो आप अपना जादू बिखेरती ही हैं, जलवा बिखेरती हैं, इंस्टाग्राम पे भी आपका जादू जो है पूरा लोग देखता रहता है, गाना देखता रहता है और मैं भी चुप चुप के देखता हूँ। हाँ, हमारी पत्नी खाना बना रही होती किचन में और मैं चुप चुप के इनको देखता हूँ, ऐसा जादू चलाती है बताइए। तो इसलिए इनको लेके पिक्चर बनाया है, तेरी आँखों में वो जादू है। तो ये जादू अगर रवा लोग के देखेगा तो इस सिनेमा के देखे के पड़े, जरूर देखिए। जी मेरी बहुत सारी फिल्म्स आने वाली हैं, जैसे कि मेरी अभी अगली फिल्म आ रही है अजनबी, फिर मेरी फिल्म आने वाली है चल जीले, फिर मेरी एक फिल्म आने वाली है दूल्हा ऑन सेल, फिर मेरी एक हिंदी फिल्म आने वाली है बल्ली वर्सेस बिरजू, फिर मेरी एक फिल्म आने वाली है प्यार होता है दीवाना सनम, बहुत सारी फिल्म्स हैं जो मेरी लाइनअप हैं और जो बहुत जल्दी सब रिलीज़ हो, फिर एक और फिल्म है बलम केसरिया वो भी रिलीज़ होने वाली है, तो ये सारी फिल्म्स तो हैं ही। उसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया वेब सीरीज जी, का उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज के डेट में मुझे लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अलग ही जगह बना चुका है, एंड स्पेशली ऐसा दौर जहाँ पे यू नो लॉकडाउन लग गया तो लोग थिएटर्स नहीं जा पा रहे थे लाइक जी, जैसे कि आपने बात किया OTT प्लेटफॉर्म की, तो आज के डेट में तो बहुत ही बड़ा लेवल पे OTT प्लेटफॉर्म अपनी जगह बना चुका है, क्योंकि खास तौर पे वो समय जहाँ पे लॉकडाउन लग गया और लोग थिएटर्स नहीं जा सकते थे, सारे थिएटर्स बंद थे, ऐसे में घर पे अपने बैठ के लोग आराम से देख सकते हैं सिनेमा, और क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन करना है तो यू नो OTT प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स है मुझे लगता है, और काफ़ी बड़ी जगह बना चुका है। मेरी भी एक वेब सीरीज़ आ रही है जो मैंने नाम लिया बल्ली वर्सेस बिरजू, जिसमें काफ़ी सारे हिंदी के एक्टर्स हैं जैसे कि रजा मुराद जी, देन अपना राजू खेर जी, रजा मुराद जी ने मेरे दादा का रोल किया है, एंड देन किरण कुमार जी, बहुत सारे लोग सब हिंदी वाले हैं, एंड ओनली हीरोइन जो है वो भोजपुरी से है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया वेब सीरीज़ करके, अच्छा लगा और आगे भी डेफिनेटली करना चाहूँगी क्योंकि ज़रूरत है, डिमांड है इस बात। तो मल्टी शॉट फिल्म आपने पहले भी किया है, क्या करना है मल्टी शॉट फिल्म में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि सारी इतनी सारी एक्ट्रेस इतने सारे एक्टर्स होते हैं? बहुत मज़ा आता है, मुझे लगता है सोलो फिल्म्स तो हम सभी लोग कर रहे हैं लेकिन मल्टी स्टारर बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, कभी कभी बनती है मल्टी स्टारर, वरना जनरली जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो सोलो हीरोइन या दो हीरोइन वाले, और ख़ास तौर पे ऐसा जगह जहाँ पे आपके सब फ्रेंड्स हैं, पाखी जी कमाल की एक्ट्रेस हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, रानी चैटर्जी अपने आप में सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं, सुदीप पांडे जी कमाल के वो एक्टर हैं, विनय आनंद जी तो सभी को पता है कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, एंड प्रिंस जी के साथ मैं पहली बार जुड़ूंगी, उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया है लेकिन उनके बारे में भी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो काफ़ी कुछ बता रहे थे कि कमाल के एक्टर हैं वो, तो उसके बाद सीनियर एक्टर्स जो हैं ब्रिजेश त्रिपाठी जी हो गए, अमित जी हो गए, राहुल श्रीवास्तव जी, जो भी तमाम कलाकार, मुझे लगता है इस सेट पे बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है, और मतलब ये हम लोगों के लिए शूटिंग नहीं होगा, ये हम लोगों के लिए एक यू नो पिकनिक की तरह होने वाला है, हम लोग उतना, और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद जहाँ पे मतलब इतने समय से हम लोगों ने काम नहीं किया, और उसके बाद जब मिलेंगे और मल्टी स्टारर मूवी होगी और तो बहुत ही मस्ती होगी। जी जी, मैं डिजिटल भी काफ़ी काम करती हूँ, मैं लगातार कोई ना कोई ऐप से जुड़ी हुई हूँ, पिछले साल जब लॉकडाउन चल रहा था तब मैं चिंगारी ऐप के लिए मैं काम कर रही थी, उसके बाद मैंने टैक्टीन किया, बोलो इंडिया किया, अभी फ़िलहाल जो है मैं रिसेंटली जोश ऐप से जुड़ी हूँ, तो उनके लिए तो मेरी वो चलती रहती है, मुझे वीडियोज़ बनाने ही होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटल आज के डेट में बहुत ही यू नो बड़े लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, तो डिजिटली काम मैं कर रही थी, ये अलग बात है कि क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने थे तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी तो शूटिंग नहीं कर सकते थे, शूटिंग नहीं किया लेकिन ऐसा एहसास नहीं हुआ, अब
ऑफ लेटली थोड़ा सा लंबे लगा था, इसके पहले तक तो खूब इन्जॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे. मैं एक्चुअली भोपाल चले गई थी अपने घर पे, मैंने वैक्सीन लगवाया, पहला डोज मेरा वैक्सीन. और आप लोग को भी सबको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग जिनको भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है प्लीज़ आप लोग वैक्सीन लगवा लें. तो घर पर थी, अच्छा लग रहा था उनके साथ टाइम, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है कि मैं वापस आई हूँ. एंड इतनी अच्छी धमाल के साथ, मतलब हम लोग इतनी बढ़िया फिल्म करना चाह रहे, तो अच्छा ही लग रहा है. थैंक यू सो मच. मुहूर्त है, क्या कहते हैं किसी प्रेजेंटर जीतेश जी के बारे में, निर्देशक अजय जी के बारे में, और मल्टी स्टार फिल्म है तो उसको लेकर कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. काफ़ी टाइम के बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म शुरू हो रही है. एंड जितेश जी बहुत ही पुराने प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे साथ मुन्नी भाई नौटंकी वाली बनाई थी, और उसके बाद वापस से वो एक धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जितेश जी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं, फिल्मों को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं. उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म भी बहुत ही बेहतरीन बनेगी. कुछ जितने भी कलाकार थे सबके साथ काम किया ही होगा आपने, तो कैसा अनुभव था पहले का और अभी जो जितने भी एक्टर हैं इसमें, विनय जी हैं या सुदीप जी या पाखी गुंजन या प्रिंस, प्रिंस और सुदीप जी के साथ मेरी ये पहली फिल्म होगी. बाकी एक्टरों के साथ मैंने ऑलमोस्ट कई सारी फिल्में की हैं. एक्चुअली इस फिल्म में ये सबसे खास बात होगी कि हम सब फ्रेंड्स एक साथ शूट करेंगे, और मैं बता भी नहीं सकती अपने शब्दों में कि कितना मज़ा आएगा इस सेट पे. मेरे लिए तो ये पिकनिक के जैसा होगा, सो आई एम वेरी हैप्पी. अभी भी मुश्किल दौर चल रहा है फिल्म में, तो मुहूर्त होना या शूट होना कितना आसान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आगे का भविष्य फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, खासकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसा नजर आ रहा है? देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से एक अच्छे दौर से लेकर बुरे दौर से लेकर अच्छा दौर हर इंडस्ट्री में आता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये दौर ऑलमोस्ट अच्छा बुरा सब दौर आया है. लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ने कभी हार नहीं मानी है, और हमेशा हम सब एक्टरों ने, सब टेक्नीशियंस ने, सारे मेकरों ने ये कोशिश की है कि अच्छी फिल्में लाएं. जैसे कि अभी बुरा दौर अगर सपोज़ गुजर रहा है, तो हम और मेहनत करते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट सामने आए और हम अपनी ऑडियंस को अच्छी तरह एंटरटेन कर पाएँ. तो आई थिंक ये दौर जो भी दौर है वो निकल जाएगा. फिल्मों के अलावा टीवी भी ट्राई किया, उसमें भी आपकी पहचान बनी, ओटीटी भी ट्राई किया, उसमें भी पहचान बनी, तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण था या कितना इंटरेस्टिंग था, कैसे मतलब देखा इसको? देखिए, मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आर्टिस्ट कहीं भी काम कर सकता है, वो बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो. और मैंने हर जगह काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. बट जैसे मैं OTT पे काफ़ी काम कर रही हूँ इन दिनों, TV भी मैं कर रही हूँ, बट एक भोजपुरी फिल्मों से जुड़ाव मेरा बिल्कुल अलग है. तो यहाँ पर जब मैं काम करती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर, यहाँ घर का काम हो रहा है, और जब बाहर जाती हूँ तो लगता है बाहर का काम हो रहा है. लास्टली ये जानना चाहूँगा कि OTT की बात की, तो OTT और फिल्मों की बात करें तो बड़े पर्दे पे खुद को देखना कितना आपको लगता है कि एक लार्जर देन लाइफ फील आता है, एक बहुत बड़ा लगता है कि आपने काम किया जब आप पर्दे पे दिखते हैं? देखिए, OTT और पर्दे में फ़र्क ये होता है कि फिल्मों में लोग हमें टिकट खरीद के फिल्म देखने जाते हैं, और OTT पे घर पर बैठ के देखा जा सकता है. लेकिन बड़ी स्क्रीन का मुकाबला कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ले सकता है, और इसी यही एक रीज़न है कि मैं अपनी फिल्मों से भी जुड़ी हूँ कंटिन्यू, और आगे भी जुड़ी रहूँगी. रानी जी, विनय आनंद जी को कितना चाहती हैं, ऐसा कुछ इमेज करिए डायरेक्ट आपके पास आ जाए? विनय जी का एक्चुअली ऐसा होता है कि बस मैं अगर विनय जी को थॉट करूँ तो वो मेरे पास आ ही जाते हैं. और विनय के साथ क्या बात है, सही में ये तो ओह गॉड, देखा गाइस, देखा आप लोगों ने कि मैंने बस थॉट किया विनय के बारे में, और विनय जी हाजिर हैं. लेकिन ऐसे तो शैतान हाजिर होता है. नहीं, बट मैं एक बात है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. नहीं, ऐसी बात नहीं है. विनय और मैं करीबन 15-16 साल पुराने फ्रेंड हैं, हमने कई फिल्में साथ में की हैं, और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वाली बात यही है कि इस फिल्म में विनय जी मेरे अपोजिट हैं, सो बहुत मज़ा आने वाला है. कुछ देर पहले विनय जी ने बोला कि इस फिल्म में जरूर रानी को प्रपोज करूँगा. देखिए, इनकी आँखों में जादू है, तो वो जादू जो है इनकी आंखों में जो भी देखता है वो सुपरस्टार बनता है. अरे मनोज तिवारी जी ने देखा, वो सुपरस्टार बन गए. रवि किशन जी ने देखा. एक प्रॉब्लम है कि रानी जो प्रपोज जो करता है सिर्फ 3 महीने के तक चलता है,
नहीं नहीं ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी मैं सच बता, मैंने बहुत बार प्रपोज किया, देखो आज तक चल रहा है। ऐसी ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ये वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अक्सर मेरे अफेयर और ब्रेकअप्स की खबरें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती हैं, बट विनय बताएंगे मेरे बारे में कि मैं सही में किसी को डेट नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कहीं पहले आप दोनों प्रपोज हो चुका, फिर ब्रेकअप हो चुका? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, हम लोग की तो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही है। प्रेम ऐसा है जो कभी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। राइट, भाई बहन नहीं है, हीरो हीरोइन है, समझे ना। ज़्यादा ज़्यादा विनय मेरे वन मोस्ट ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ एक्टर वाला तो है, हम जब सेट पे होते हैं तो परफॉर्मेंस जब कर रहे होते हैं तो एक्टर एक्ट्रेसेस का ताल्लुक होता है, बट ऑफ स्क्रीन विनय मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मीन्स इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं इनके गाल पे किस भी कर लेती हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं कहते। दोस्त को ही बॉयफ्रेंड बोला जाता है तुम्हारी लैंग्वेज में। अब बताइए गाल में किस करेगी तो कैसे मना करूँगा, ऐसे थोड़ी कितनी अच्छी चीज़ों के लिए मना नहीं करता। इस बार दोनों फिर से लॉकडाउन में साथ में करने जा रहा, तेरी आंखों में वो जादू है, क्या कुछ मना जिखाना चाहेंगे? देखिए तेरी आंखों में वो जादू है इसलिए क्योंकि जादू तो इन्हीं लोगों पर का है। पर आप मेरी आंखों को देख रहे हैं कैसे पता चलेगा, आपने चश्मा लगा रखा है। हमने वो इसको ऊपर किया तो ऐसे घाव हो जाएगा दिल में। एक्चुअली ये अब तक कंफर्म नहीं है कि आंखों में जादू किसकी आंखों की बात हो रही है, हो सकता है कि एक्टरों की आंखों की बात हो रही हो, जरूरी नहीं है कि हीरोइनों की आंखों की बात नहीं, हो रही नहीं, हो। देखिए आंखों में जादू तो हीरोइनों का ही होता है, ऐसा नहीं है लड़कों की भी आंखों में जादू होता है। नहीं नहीं आप देखो आपने इतनी शूटिंग की है बिहार में, कैसे ऐसा जादू होता है हमारी भोजपुरी हीरोइनों में कि सारे दर्शक ऐसे देखते हैं शूटिंग में, ऐसा जादू होता है। सोच लो कि हमारी केमिस्ट्री इस वक्त कैसी दिख रही है, लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन आएंगे तो आप सोच नहीं सकते कि जब हम शूटिंग शुरू करेंगे तो सोशल मीडिया पे कितनी आग लगने वाली है। नहीं बिल्कुल लगनी भी चाहिए, और हम लोगों की खास करके जितनी फिल्में हैं सब हिट रही हैं, और ये दामिनी जो कि बहुत बड़ी हिट रही, जिसमें मैं हीरोइन था ये हीरो थी, और वो बहुत बड़ी सुपरहिट पिक्चर रही है। दामिनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, फिर मोरा बलमा छैल छबीला हम लोग, एंड सावरी आई लव यू, कंगना खन के पिया के अंगना, तो ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा चली, और रानी चैटर्जी के सभी लोग दीवाने हैं। और मैं सच कहता हूँ कि इनके इतने ज़्यादा प्रशंसक हैं कि और इतने लोग इन्हें चाहते हैं, तो मैंने तो सबसे पहले बोल दिया हीरोइन तो रानी से तक मैं ही रहूँगा। थैंक यू, रानी चैटर्जी हालांकि सभी यहाँ पे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन रानी हमारे भोजपुरी हीरोइन की वाकई में क्वीन है। और ससुरा बड़ा पैसे वाला से इतनी बड़ी, मतलब जो पॉपुलैरिटी भोजपुरी इंडस्ट्री को वापस मिली जो खो गई थी, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं रानी चैटर्जी का हाथ है। थैंक यू, थैंक यू। रानी जी फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं जितेश दुबे जी, उनकी पहली कई फिल्में आ चुकी है, लेकिन मुन्नी भाई नौटंकी वाला स्पेशल कुछ था आपके लिए, बिजवा फिल्म थी जी, अच्छी फिल्म थी दोनों की, क्या कुछ यादें हैं इस सिनेमा में करके? मुन्नी भाई नौटंकी वाली तो रानी जी की थी पहले आई और बहुत बड़ी सुपरहिट थी, तो मुझे लगता है कि जितेश दुबे जी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी हिट होगी, लेकिन रानी की जितनी भी फिल्में होती हैं वो खास करके ये एक सोलो, ये विजय शांति हमारे भोजपुरी की, जिसकी ये रानी चैटर्जी कैन पुल द क्राउड सोलो, शी डजंट नीड अ हीरो, तो अब ये जब हीरो के साथ काम करती तो डेफिनेटली डबल कमाई होगी क्योंकि ये खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है। मुन्नी भाई नौटंकी वाली एक म्यूजिकल फिल्म थी, एक डांसिंग नंबर डांसिंग के ऊपर फिल्म थी, और जितेश जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको प्रोड्यूस किया था, प्लस अक्सर प्रोड्यूसर्स प्रमोशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, पर जितेश दुबे जी ऐसे प्रोड्यूसर रहे हैं हमेशा से जिन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन में वाकई में बहुत हमेशा बहुत खर्चा किया है। किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिल्म अभी हमारी शुरू भी नहीं हुई है, तेरी आंखों में वो जादू है, और आज एक मुहूर्त हुआ है, चूँकि आजकल हमारी भोजपुरी फिल्मों के मुहूर्त बहुत ही कम होते हैं, सीधा फिल्म शुरू हो जाती है, बट जितेश जी ने एक एक बूम के लिए एक मुहूर्त किया ताकि इंडस्ट्री को एक बूस्टअप मिले और हम सब एक्टरों को भी एक बूस्टअप मिले। और सबसे अच्छी बात कि जितेश जी ने उन सारे कलाकारों को इस फिल्म में कास्ट किया है जिनको लोग वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं डर गया था, जिन्हें लोग भूल चुके हैं ऐसा तो नहीं बोलना, क्योंकि डेढ़ साल में देखो भूल सकता है आदमी, तो डेढ़ साल आदमी कोरोना में घर में बैठ सकता है ना, तो सभी को लोग भूल भी सकते हैं, बट नहीं मैंने भूलने नहीं दिया है लोगों को। उसके लिए रानी का गाना है उस पिक्चर का, मजा मारा राजा अढ़ाई घंटा, क्या
बड़ा प्यारा गाना था। फरेला भंटा नदियाँ के तीरवा फरेला भंटा मजा मारा है राजा अढ़ाई घंटा। अढ़ाई घंटा तो बड़ी बात। अजय कुमार जी हैं कुछ गाना गाएंगे? अजय जी के लिए मैं कह चुका हूँ, फैंटास्टिक डायरेक्टर। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, अजय जी मुनीबाई नौटंकी वाले में एसोसिएट थे और मेरे सामने ऐसे कई एसोसिएट रहे हैं जो डायरेक्टर बने हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि असिस्टेंट के बाद, असिस्ट करने के बाद वो डायरेक्टर बन जाते हैं। अजय जी ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की और मुनीबाई के बाद अभी मैं उनके साथ शूट करूंगी, बट वो अभी डायरेक्टर होंगे, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और अजय जी बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं और अभी हाल ही में एक फिल्म में उनके साथ मैंने गाना किया था उनकी फिल्म के लिए, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। फिल्म में पाखी अगड़िया और गुंजन पंत भी है, बहुत मज़ा आने वाला है। केमिस्ट्री आप? कमाल की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की बात अभी नहीं करूँगी चूँकि पाखी गुंजन हम तीनों ने बहुत बार काम किया है साथ में। एक्चुअली देखा जाएगा तो ये फिल्म की शूटिंग कम पिकनिक ज़्यादा लगने वाली है। बिल्कुल 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 सभी, और नो डाउट एक्टर जो सोचिए कि पाखी गुंजन और रानी जहाँ है वहाँ विनय आनंद होंगे बीच में और सुदीप होंगे। विनय बिल्कुल भी डिफरेंट, सुदीप बिल्कुल डिफरेंट। खिचड़ी पकाएगा, बिरयानी पकेगी नहीं ये पिक्चर, इट्स नॉट खिचड़ी स्क्रिप्ट, हम लोगों ने सुनी है दोनों ने। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म और भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सालों से एक ऐसी फिर से एक मूवी की ज़रूरत थी, एक मल्टी स्टारर, तो एक बहुत बड़ी फिल्म है ये, मल्टी स्टारर फिल्म है और ये लोग ज़रूर देखें, मैं यही आशा करता हूँ। रानी कभी लॉकडाउन में याद आई आपको? रानी को तो मैं मेरी ही हमेशा, हाँ, याद करता रहता हूँ। मज़े की बात बता दी लॉकडाउन की, विनय आनंद जी घर में रेडी होते थे मैं आज विनय जी की एक बहुत ही प्राइवेट बात को मैं साझा कर रही हूँ ऑडियंस के साथ। विनय आनंद जी रेडी होकर गाड़ी में बैठते थे, गाड़ी चालू करते थे पार्किंग में और एसी लगा के म्यूजिक सुनते थे और सोचते थे कि आह मैं घूम रहा हूँ मैं बाहर घूम रहा हूँ। हाँ, तो रानी मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बीमार ना हो जाएं घर में बैठे बैठे ऐसा हो गया था कि रोज़ तैयार होकर जाने की आदत थी परफ्यूम वर्फ्यूम मार के। अब मैंने क्या किया, मैं तैयार होकर परफ्यूम मार के रोज़ जाके गाड़ी में बैठ जाते थे। मैंने कॉल किया विनय जी को कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार, ये तो मैं भी ट्राई करूँगी इसे, और मैंने ट्राई भी किया था। हाँ, लेकिन गाड़ी चलाता नहीं था क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। एनीवेज रानी चैटर्जी, पाखी हेगड़े और गुंजन पंत की आँखों का जो जादू है जिससे हम लोग कायल हैं, आप लोग ये जादू देखने ज़रूर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जितेश जी के साथ में हमने एक फिल्म किया हुआ है रिजवा, और उसमें अजय जी असिस्टेंट थे, तो हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही थी और हमेशा हम चाहते थे कि साथ में एक अच्छा काम हो, बड़ा काम हो, और रिजवा ऑलरेडी एक सुपरहिट फिल्म रही थी, तो हमने प्रूव कर दिया है कि टीम स्ट्रांग है। और ये फिल्म मेरी कमबैक मूवी भी है, जो एक्साइटमेंट मैं अपनी पहली फिल्म में फील कर रहा था, भोजपुरिया भैया से मेरी लॉन्चिंग हुई थी, और वही एक्साइटमेंट मैं आज फील कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा थोड़ा गैप हो गया है। हिंदी फिल्म मैं कर रहा था वी फॉर विक्टर, इसको लेकर गैप हो गया भोजपुरी में, तो लॉन्चिंग मैं चाहता था कि एक प्रॉपर तरीके से हो, जिस रूप में मुझे ऑडियंस देखना चाहती है वैसा मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। तो जितेश दुबे जी का जो बैनर है उससे अच्छा बैनर हो नहीं सकता था, बिकॉज वे एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, शोमैन हैं, वो जानते हैं कि भोजपुरी की ऑडियंस को क्या पसंद आता है, वैसा ही वो केटर करते हैं। तो आज उन्होंने जो ये पूरी टीम बनाई है भोजपुरी के सभी अच्छे एक्टर्स को लेकर, उन्होंने जो खड़ा किया है इसको लेकर सभी लोग एक्साइटेड हैं, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म वही जादू करेगी जो ब्रिजवा की थी। ब्रिजवा सुपरहिट थी और ये फिल्म भी सुपरहिट होगी, ऐसी हम सबकी उम्मीद है। मल्टी स्टार फिल्म में रानी जी हैं, बाकी जी हैं, गुंजन जी हैं, साथ में विनय आनंद जी और अरुण जी, ये मल्टी स्टार फिल्म में काम करने का कैसा लग रहा है, कभी अगर किया है, और क्या कहते हैं जितनी कलाकार उनके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली टीम अच्छी होती है तो सब अच्छा हो जाता है, ये टीम वर्क होता है, और यहाँ पर हम सब जब मिल रहे हैं तो एक अच्छा माहौल, एक पिकनिक का माहौल लग रहा है, और यही माहौल बना रहेगा, सब लोग आनंद भी लेंगे शूटिंग का, काम भी अच्छा होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा,
और ऐसे माहौल में काम करना बहुत अच्छा लगता है जब पूरी टीम अच्छी हो। राजनीति के रुझान है आपका, आपने हाल में पार्टी ज्वाइन, क्या कहना चाहेंगे राजनीति के लेकर? जी मैं NCP ज्वाइन किया हूँ, NCP का महासचिव हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतनी अच्छी पार्टी, इतनी जो सब वर्गों को साथ में लेकर चलती है। तो आज तो ये माहौल नहीं है कि हम राजनीति के बारे में बात करें, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बिहारी को, एक भोजपुरी के ऑडियंस को जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक भोजपुरी का हीरो हूँ, तो उसको अगर मुंबई जैसे जगह में इतना बड़ा स्थान एक NCP जैसी पार्टी देती है तो ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। और मैं भोजपुरी के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, इसके लिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ, जो कि मैं कर भी पा रहा हूँ। अभी वैक्सीनेशन की बात थी तो मैं काफ़ी लोगों को हेल्प किया, फिर काफ़ी तरीके से मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ इस पार्टी के द्वारा, क्योंकि ये पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। इसके लिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया और जो मेरा लक्ष्य था कि अपने भोजपुरी के लोगों को भी मदद कर सकूँ, वो मैं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कोई स्क्रिप्ट है इंटरेस्टिंग इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी अब मैं हिंदी फिल्म करने के बाद अब मैं सिलेक्टेड मूवीज़ ही करूँगा, क्योंकि भोजपुरी मैं काफ़ी फिल्में किया हूँ, 40 फिल्में किया हूँ। और जब मैं हिंदी किया था तो इसलिए किया था कि भोजपुरी का जो वही पैटर्न की फिल्में जो बन रही थी जिसमें आइटम सॉन्ग हो, ठाकुर हो, वो सब करके मैं बोर हो गया था। तो अब जो ऐसी फिल्में हैं जो अलग हटकर हैं और जो मतलब मैं अपने परिवार के साथ देख सकता हूं और जिसके ऊपर मैं मतलब भोजपुरी का एक गौरवान्वित महसूस कर सकता हूँ, वैसी फिल्में करूँगा। जो ये पहली फिल्म है, आप ये झांक देखिए कि इसमें कहीं भी आपको वो भोजपुरी का जो पैटर्न होता है, कोई ठाकुर, कोई बंदूक, कोई गोली बारूद, ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ऐसी फिल्में भोजपुरी के दायरे को बढ़ाएंगी और ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्मों का मैं हिस्सा बनना चाहूँगा और मुझे गर्व है कि आज मेरी जो कमबैक है वो ऐसी फिल्म से हो रही है। बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी भी जानकारी मिली कि आप फिर से भोजपुरी में आप कमबैक कर रहे हैं, पिक्चर का नाम है तेरी आंखों में वो जादू है। भोजपुरी को मैं हमेशा मिस किया हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मैं भोजपुरी कर रहा था तो एक ही पैटर्न की फिल्में बन रही थी, ठाकुर और डांस और आइटम सॉन्ग, जो मुझे करने में अच्छा नहीं लग रहा था। 40 फिल्में कर चुका था, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था कि हिंदी फिल्म करूँ। बट भोजपुरी का हूँ, मेरी माँ भोजपुरी की हैं, तो ये तो मेरे खून में है, ये तो कभी मैं छोड़ ही नहीं सकता, ये तो मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तो भोजपुरी तो मुझे करना ही था, तो वापस जब मुझे कमबैक करना था, ये कोविड के चक्कर में मैं अपनी हिंदी फिल्म ढंग से रिलीज़ भी नहीं कर पाया, तो कमबैक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। और अभी एक बहुत अच्छा दौर आ रहा है, समझिए कि भोजपुरी का तीसरा दौर आ रहा है। पहला दौर गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ी बो और वो सब मूवीज़, विदेशिया ऐसी फिल्में, दूसरा दौर जो फैमिली जिससे दूर रहीं, अब तीसरे दौर से फैमिली जुड़ेंगी, जैसी ये फिल्म है तेरी आंखों में वो जादू है। ये सब फिल्में हम अपने परिवार के साथ देख सकते हैं और मुझे भी करने में बहुत अच्छा लगेगा और भोजपुरी के स्तर को हम बाकी किसी भी हिंदी के स्तर से हम कंपेयर कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि अब इससे फैमिली ऑडियंस जुड़ेंगी। तो ये तीसरे दौर में आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, वही प्यार और आशीर्वाद जो आपने मुझे पहली फिल्म में दिया था भोजपुरिया भैया में। आज मेरा एक्साइटमेंट वही है जो मेरी पहली फिल्म में थी, ये मेरी कमबैक फिल्म में इतना अच्छा स्टारकास्ट मिला है, इतना अच्छा बैनर मिला है, तो मैं वही फील कर रहा हूँ, वही एक्साइटमेंट जो मैं भोजपुरिया भैया में फील कर रहा था, और वही प्यार आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। इस फिल्म में सभी सुपरस्टार्स हैं, विनय आनंद जी हैं, रानी चटर्जी, पाखी हेगड़े जी, गुंजन पंजी, प्रिंस सिंह राजपूत, ब्रजेश त्रिपाठी जी, और बैनर सबसे देखिए आपकी जितेश दुबे जी का, जिनके साथ में हम ब्रिजवा एक सुपरहिट दे चुके हैं, तो ये टीम तो ऑलरेडी सुपरहिट दे चुकी है, तो सुपरहिट का तो एक है ही है ये टीम में। एक जितेश जी सबको साथ में लेकर चलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये कलाकारों के साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सभी डाउन टू अर्थ हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए तो बहुत इन्जॉय किए, ऐसा ही इन्जॉयमेंट पूरे शूटिंग में चलेगा। भोजपुरी में लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म का मुहूर्त हुआ है, कैसा लग रहा है आपको माहौल है? मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म का मुहूर्त हुआ है। फिल्में बहुत किया हूँ, पर्दे पर देखने का शौक तो पूरा हो चुका है, बट अब अच्छी फिल्में करनी है, जो मैं तीसरे अपने मेरी दूसरी दौर में जो मैं आया हूँ, सिर्फ ये ठान कर आया हूँ कि अच्छी फिल्में करूँगा। अच्छी फिल्में मतलब जो पूरे परिवार के साथ जो सब लोग देखें, और भोजपुरी के ऊपर एक जो दाग लगता है कि उसमें वल्गैरिटी होती है, ऐसी फिल्में हमें नहीं करनी है, पहले भी नहीं किया था,
और अब मुझे सबसे साथ मिल रहा है, सब लोग अब चाह रहे हैं कि सैटेलाइट के लिए अच्छी फिल्में बने, सब में अवेयरनेस आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पहली फिल्म शुरुआत हो रही है वो एक अच्छी फिल्म से हो रही है, जो समाज के, जो हमारे भोजपुरी समाज के, जो एक भोजपुरी फिल्म का एक जो दायरा है कि जो लोगों ने बना दिया था, एक एक विज़न बना दिया था, एक लोगों के मन में डाल दिया था कि भोजपुरी फिल्म का पैटर्न ऐसा होता है, वह ऐसी फिल्मों से चेंज होंगी। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल फिल्म का मुहूर्त नहीं हुआ है, समझिए कि एक पूरे भोजपुरी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक फिल्म बनी है। पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर चुके हैं और पॉलिटिक्स में काफ़ी जो लॉकडाउन पॉलिटिक्स हुआ है, मनोज जी और रवि किशन का मांग है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, खास करके एल्बमों के लिए सेंसर बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अश्लील गाने काफ़ी मार्केट में आते हैं। बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज क्या है, हम लोग भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं, कोई भी अच्छा महसूस नहीं करता है। देखिए, हमारी भोजपुरी के वही संस्कृति, वही सभ्यता, वही कल्चर, वही बैकग्राउंड है जो हिंदुस्तान के बाकी कल्चर में है, बट बाकी किसी भी लैंग्वेज में ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। ये भोजपुरी में ही क्यों बनती है, ये सोचकर मैं भी दुखी होता हूँ। ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टाइटल्स देते हैं अपने गाने को जो कि हमारे संस्कार को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो वैसा हम क्यों लोगों के सामने लाएं। और कहीं की भी जो मीडिया होती है, कहीं के भी जो गाने होते हैं जब बजते हैं, उससे हमारे संस्कार को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जो कि बहुत बुरा एक जा रहा है जो लोगों के सामने, और जो गलत जा रहा है तो वो सही जाए। और होता क्या है कि थोड़े से पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ गायक ये ऐसे गाने गा देते हैं जो कि सुनने में बहुत ही अभद्र, बहुत ही, मतलब अभी बोलने में भी मुझे शर्म आएगी। कुछ संदेश देना चाहते हैं बाबू, थोड़ा सा मेहनत करो, ये सच्ची पब्लिसिटी के पीछे मत पड़ो, सक्सेस मिलेगा, मेहनत करो। मेरी ही फिल्म देखो ना, 40 फिल्म कर लिया, एक भी ऐसा गाना बता दो जहाँ पर कोई वल्गैरिटी हो, तुमने इतना मेहनत किया, इतना करते हो, लास्ट में क्या मिलता है, गाली मिलती है, 10 लोग पसंद करेंगे तो 20 लोग गाली देंगे, इससे क्या मिलेगा बताओ। अपने परिवार, अपने संस्कार को सोचो, तुम खुद चाहोगे कि वैसी फिल्म अपने परिवार के साथ देख सको, वैसा गाना तुम अपने परिवार के साथ देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना, तो क्यों ऐसा काम करते हो यार। बिहार के हो, बिहार की शान बनो। भोजपुरी भी कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो टॉप में हैं, वो भी ये अश्लीलता गाना गाने से दूर नहीं रहे, उन सेलिब्रिटियों को कुछ करना चाहते हैं? मजबूरी में कर लिए होंगे, शुरुआत में कर लिए होंगे, बदलना हर कोई चाहता है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा कि शायद सक्सेस ऐसा ही मिलता हो। बट आज मैं रवि किशन जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है, उन्होंने माफ़ी मांगी है लहंगा उठा ले रिमोट से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर जाने अनजाने गलती हो गई तो चलिए, दर्शक भी माफ़ करते हैं, वो भी जानते हैं हम सब भाई कलाकार हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, बट अब नहीं, अब एक ठान लेना है, एक साथ भोजपुरी समाज को आगे उठाने के लिए ठान लेना है और इसके लिए भिड़ जाना है। और अगर हम सब लग गए, आप लोग तो सुपरस्टार हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो क्या पॉसिबल नहीं होगा। जब आपने ऐसे अश्लील गाने तक को प्राथमिकता देकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जिससे आपके फैंस फॉलो करने लग गए, तो जब आप अच्छे गाने गाएंगे तो आपके फैंस वो भी हिट करा देंगे, भोजपुरी का एक अलग से नाम हो जाएगा। सुधीर जी, अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, किस पोस्ट पर हैं और किस पार्टी के? जी, मैं NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महासचिव हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन ही इसलिए किया हूँ कि मैं अपने भोजपुरी भाइयों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि जब एक माहौल आया था यहाँ पर, जब भोजपुरी के लोग बहुत घबरा गए थे किसी एक पार्टी के व्यवहार की वजह से, लोग यहाँ से मुंबई छोड़कर पलायन कर रहे थे, तभी मैं ठाना था कि मैं आऊँगा और अपने भोजपुरी भाइयों के लिए कुछ करूँगा। तो एक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुझे आज एक बात बताई है, एक भोजपुरी एक कलाकार को इतना बड़ा पद दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वो मुझे अच्छा लगा। और वो पार्टी ऐसी है कि सबको साथ में लेकर चलती है। आज तक NCP के किसी भी लीडर को आप नहीं सुनेंगे कि उन्होंने कभी भी किसी भी निगेटिव स्टेटमेंट दिया हो भोजपुरी के बारे में या किसी भी समुदाय के बारे में। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज देखिए वैक्सीनेशन कराना था, काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आता था, ऑक्सीजन बेड्स के लिए मुझे फ़ोन आता था, तो मैं बहुत कुछ कर पाया अपने लोगों के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज मैं किसी काम आ पाया। राजनीति का जो मेरा ध्येय था कि मैं सेवा कर सकूं, वो मैं अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए मुंबई जैसे शहर में रहकर वो मैं कर पा रहा हूं, तो मुझे अच्छा लगता है। भोजपुरी में काफ़ी लोगों ने BJP ज्वाइन किया है, आप एक अलग पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या कुछ सेवा करने का और इच्छा है? कोई रूल तो नहीं है, देखिए वो अपने हिसाब से अपना सेवा करना चाहे होंगे, पहले भोजपुरी के पहले वो किसी और भी पार्टी में थे, तो कोई ऐसा ठप्पा तो नहीं है कि मैं सब जा रहे हैं भोजपुरी के लोग BJP में तो मैं भी जाऊं।
मेरा जो ध्येय था सेवा करना, आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं बीजेपी से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पार्टी की वजह से हुई है या उनकी कोई गलती है। आज देखिए ये जो वैक्सीनेशन को लेकर इतना सारा उन्होंने बाहर भेज दिया, आज का वो समय नहीं है कि मैं किसी की शिकायत करूँ या कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूँ। बट ठीक है, मैं खुश हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो खुश हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है। हम सबका ध्येय एक ही है कि समाज की सेवा करना है। कहीं ऊपर नीचे होती रहती है पार्टी की वजह से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दर्शकों को यही बोलेंगे कि दर्शक लोगों का प्यार और समर्थन मुझे वही चाहिए। वही भोजपुरिया भैया आपके बीच में एक अलग रूप में आ रहा है, तेरी आँखों में वो जादू है मूवी के साथ में, तो मुझे वही प्यार, वही आशीर्वाद, वही समर्थन चाहिए जो आप लोगों ने दिया था। आप लोगों ने एक नए आदमी को जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसको अर्श से कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। मतलब मुझे एक स्टार बनाया, पहली फिल्म से ही मुझे एक सफलतम प्रोड्यूसर, सफलतम डिस्ट्रीब्यूटर, सफलतम कलाकार बनाया। और आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो क्या नहीं हो जाता है, सत्ता पलट जाती है। तो मैं तो एक कलाकार हूँ, तो वही प्यार आशीर्वाद समर्थन दीजिए सुदीप पांडे को जो आपने पहली फिल्म में दिया था। और समझिए कि कमबैक मैं आपके लिए कर रहा हूँ और कुछ संदेश लेकर आऊँगा। आगे मेरी फिल्मों का कारवां ऐसा ही चलता रहे, यही मुझे आपसे प्यार और आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं कामी मुखर्जी, सभी को प्रणाम बोल रहा हूँ। और जहाँ तक जितेश जी के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छे प्रोड्यूसर तो है ही है, और उनके साथ मैं बहुत पहले भी फिल्म कर चुका हूँ, करता आया हूँ। बिजवा हुआ, काफ़ी फिल्में मैंने उनके साथ किए, पान भंडार, फिर अभी जब ये फिल्म शुरू किया तो उन्होंने मुझे याद किया। मैंने बोला कोई बात नहीं करना, मुझे जिस सिर्फ आपके पास आना है और ये फिल्म को करना है। और अजय गुप्ता जी की तारीफ कितना भी करूं कम है, बहुत फुर्तीला, बहुत फास्ट, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है वो, और बहुत अच्छे काम करते हैं और काम लेते हैं बहुत अच्छे हैं। उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, कोई भी आर्टिस्ट इरिटेट नहीं होते हैं उनसे कि क्या बार बार एक ही बात समझा रहे, क्योंकि इतना अच्छा से वो सीन समझाते हैं। और हमें भी मतलब गाने के भी बिगनिंग और एंड क्या सीन होता है तो अजय जी बहुत प्यार से समझाते हैं। और ऐसे तो मुझे सभी के साथ बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन ये बच्चे लोग जब आगे बढ़े और जब अजय जी असिस्टेंट थे तब से मैं इनको दुआ किया था कि जल्द से जल्द डायरेक्टर बने, क्योंकि बहुत ही होनहार बच्चे हैं ये, और अजय जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ, रानी जी हैं, गुंजन जी हैं, बाकी जी हैं, इतने अच्छे विनय जी हैं, सुदीप जी हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में। बहुत मज़ा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इसकी शूटिंग शुरू हो और हम लोग बहुत एंजॉय करें। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राम सुजान सिंह है। मैं तेरी आंखों में जादू एक मुहूर्त पे आया हूँ, और जितेश जी को बहुत दिन से जानता था लेकिन मेरी आज मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, मैं तो बहुत छोटा कलाकार हूँ। और मेरे मित्र हैं डायरेक्टर अजय गुप्ता जी, जिनके साथ भी एक और फिल्म की थी मैंने, आज मुहूर्त है, उन्होंने बुलाया मुझे। ये यहाँ का माहौल और ये लग रहा है पिक्चर देखे बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अजय जी मुझे इसमें भी कास्ट करें, अच्छा लगेगा इन लोगों के साथ काम करके। यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया है, और मैं बधाई देना चाहूँगा इन लोगों को कि जितनी जल्दी वो कंप्लीट करें। और पिक्चर तो नाम से ही लगता है सुपर डुपर हिट है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। भोजपुरी के बारे में मेरी बहुत अच्छी सोच है, इसलिए कि मेरी मदर टंग भोजपुरी है, मैं बिहार पटना मनेर का रहने वाला हूँ, और मुझे भोजपुरी से बहुत ज़्यादा लगाव है। हिंदी में काम कर रहा हूँ लेकिन मौका मिलता है तो मैं भोजपुरी भी करता हूँ, चूँकि मुझे पता नहीं क्यों माँ ने मुझे बहुत पहले किया था कि वो हिंदी नहीं जानती थी, भोजपुरी ही जानती थी, तो बोले बबुआ तुम आके कभी भोजपुरी में करो ना काम। तो उस माँ का आशीर्वाद के लिए मैं बराबर कोशिश करते हैं कि भोजपुरी में काम करें, और उनकी आशीर्वाद मेरे साथ बराबर बना रहे हैं। सलमान खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है, याद है आपको?
वो तो इस पिक्चर में भी पता नहीं शूट करें कि नहीं, हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि सांस कहाँ से लोगे, और आप लोग तो समझ ही रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। सम्मान जिससे कभी मुलाकात होगी तो कहिएगा सर भोजपुरी पिक्चर एक आध कर दीजिए। ज़रूर कोशिश करेंगे, मेरी मुलाकात होगी तो, अभी तो मुलाकात नहीं हुई है, जब भी होगी मैं कोशिश करूँगा उनसे कहने के लिए। भोजपुरी के बारे में और क्या कुछ कहना चाहते हैं, बदलाव के बारे में? मैं भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बन रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक कोई हट के भी सब्जेक्ट बने, जैसे कि बड़े बड़े फेस्टिवल में पिक्चरें जाती हैं, मराठी की जाती है, बंगाली की जाती हैं, साउथ की जाती हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी उस लेवल पर जाए, और मुझे कुछ ऐसे काम हो जिसमें भोजपुरी का भी वो लेवल मिले जो ये लोग लेवल, जैसे कि विदेश में भी फिल्में जाती हैं, जो अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, जो भी जाती हैं, मैं कोशिश के, मैं चाहूँगा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि कम से कम भोजपुरी का भी उस ऊँचाई तक प्राप्त हो, और लगे हुए हैं लोग, प्रोड्यूसर लोग, और कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जब भोजपुरी की उस लेवल पर मैं देखना चाहूँगा। अभी तो वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं, अभी बिच्छू का खेल कर रहा था, वरन टू कर रहा हूँ, अभी दो तीन का और कमिटमेंट है, फिल्में अभी नहीं है, चूँकि लॉकडाउन के चलते डेढ़ साल से काम बंद है इंडस्ट्री का, इसके लेके मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट, और ये जो कॉम्बिनेशन है अजय जी का और जितेश जी का, ये ऑलरेडी पहले फिल्में कर चुके हैं साथ में इन्होंने, सैया हमारे एक फिल्म की थी इन्होंने, जितेश दुबे जी ने प्रोड्यूस किया था और अजय जी ने डायरेक्ट किया था, अजय कुमार जी ने, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का एक पार्ट बन रहा हूँ और मुझे इस फिल्म में कास्ट किया गया है, दैट्स इट। तो इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है, इसमें विनय जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमने साथ में पहली दो फिल्में की है जिसमें मैं हीरो था, उसमें उस फिल्म का नाम था गर्दा गर्दा केले बारू जब से बलू जमान एंड मोरा बलमा छल छबीला। उसके बाद में प्रिंस जी हैं जो भोजपुरिया बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, भोजपुरिया बाहुबली प्रिंस सिंह राजपूत। उसके बाद में रानी चटर्जी हैं, गुंजन पंत मेरी फ्रेंड हैं और उन्होंने साथ में काम किया है, हमने साथ में काम किया है, पाकी हैं, पाकी हेगड़े, और ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी इज़ अ वेरी लीजेंड एक्टर इन दिस इंडियन भोजपुरी सिनेमा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस फिल्म। नहीं, बेसिकली मैं मेनली इन द तमिल सिनेमा, तमिल एंड तेलुगू सिनेमा, आई मीन टू साउथ सिनेमा, मैं ज़्यादातर साउथ की फिल्में करता हूँ, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ा, और मैं पहला भोजपुरी का एक्टर हूँ और बिहारी आदमी हूँ कि जो तमिल लैंग्वेज बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ मैं, या तमिल में काम करते हैं, काम करते हैं, साउथ का जो फिल्म का एक ऑरा है उससे अगर कंपेयर किया जाए भोजपुरी को, क्या करना चाहेंगे, किससे देखते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री को हमको वहाँ पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड जो यहाँ पे जो लोगों ने यू नो नेपोटिज्म और जो पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं लोग ना, इट्स वेरी सैड, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग यहाँ पे आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही यू नो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे टीम वर्क नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चले और आगे बढ़े, और हमारी जो मातृभाषा है भोजपुरी, उसको यू नो दे शुड टेक ऑन द डिफरेंट लेवल। भोजपुरी ऑडियंस इज अप्रॉक्सीमेटली यू नो 40 crores around the world, apart from the India, around the world 40 crores is the Bhojpuri population. तो अगर उसको हम लोग तरीके से proper present करते हैं और उसको हम लोगों ने you know justify करते हैं, तो Bhojpuri will be the different label altogether, you know. आई एम वेरी कम्फर्टेबल, मतलब मुझे लगता है कि साउथ इंडस्ट्री इज मोर प्रोफेशनल एंड मोर डेडिकेटेड एंड मोर यू नो स्टाइलिश वर्क दे डू। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो साउथ इंडस्ट्री की, मेरा किचन साउथ इंडस्ट्री से चलता है, अगर मैं देखा जाए तो मैं जितनी भी फिल्में कर रहा हूँ तमिल, तेलुगू और मलयालम, कन्नड़ा, वहाँ से आई एम वेरी हैप्पी। और मेरा ये जो कंसर्न है, भोजपुरी मेरी मदर लैंग्वेज है, मेरी टू मदर लैंग्वेज है, एक भोजपुरी है, तमिल है,
तो मैं चाहता हूँ कि एज एन बिहारी भोजपुरी में भी अच्छा काम हो और भोजपुरी में भी काम करूँ. सो मेरा पैशन ही है बेसिकली. आई एम नॉट हियर फॉर मेकिंग माई कैरियर इन भोजपुरी सिनेमा. आई एम नॉट हियर टू मेक माई यू नो I'm not here to make a business of Bhojpuri cinema. I'm not here to make earn money in Bhojpuri cinema. I'm here to just relate my language, meri jo mother language hai, Bhojpuri language. Hamra kahe ka matlab ye bate ki Bhojpuri jo language bate, okra se hum itna pyar karila, itna mohabbat karila ki Bhojpuri cinema jaba world level pe aana chahiye aur world सिनेमा में हमारा भी एक स्थान होना चाहिए, मेरा ये कहना है. या थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आई एम वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच. ओह थैंक यू. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. इनका मुहूर्त है जिसका नाम है तेरी आंखों में वो जादू है. यस, तेरी आंखों में जादू. आपको देख के लग रहा है कि वो जादू आपके अंदर है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जादू क्रिएट होगा, जो निर्देशक है अजय कुमार जी और जो प्रोड्यूसर है जितेश दुबे जी, तो वो जो जादू होगा वो बहुत अच्छा होगा. और इसमें जो म्यूज़िक दिया है एस कुमार जी ने, इन सब का जो जादू है वो चल चल के चलेगा. आई रियली होप दैट दिस फिल्म डज एक्सट्रीमली वेल. सुना जी, पुरानी बातें कर रहे किशन की, तो पिक्चर का नाम था हमरा से ब्याह करवो और काफ़ी तहलका मचा था आपको उस टाइम. तो बिहार में हर सिनेमा हॉल में जाके अपने परफॉर्मेंस दिया था, क्या कुछ पुरानी यादें हैं? सब यादें बहुत अच्छी यादें हैं. And the film did very well. और एक तो ससुरा ने भी बहुत अच्छा किया था और हमरा से ब्याह करवा ने भी बहुत अच्छा किया था. शायद उसका गाना वो था ना, कौन सा, सैया जी? नहीं नहीं, दूसरा कौन सा गाता उसका? आप उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मैं समझी नहीं. पिक्चर का नाम था हमरा से ब्याह करवा. अच्छा अच्छा, हाँ उसमें आइटम सॉन्ग था दैया रे दैया खटमल, चुलिया में चले सुरूर सुरूर. थिएटर में जाके आपने परफॉर्म किया था? हाँ, कुछ थिएटर्स में जाके परफॉर्म किया था, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. और कुछ ऐसी जगह थी जैसे कि बिहार में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर लिटरली लोगों ने हमारे ऊपर फूल बरसाए थे. हालाँकि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि फूल हमारे ऊपर बरसाए जाएँ, क्योंकि फूलों में भी छोटे मोटे कीड़े मकौड़े होते हैं. तो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें बरसाया, वो उनकी इच्छा थी. इट वॉज ब्यूटिफुल. लगी थी उस टाइम पे? हाँ. क्या क्या हुआ था मेरे साथ? कौन कौन थे वो? क्या 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 हुआ था मेरे साथ? कौन कौन थे वो लोग? क्या क्या हुआ था मेरे साथ? होर्डिंग का स्लोगन था. हाँ. और अच्छा, पोस्टर छपा. ओके. हाँ. और डायरेक्टर सीनियर सभी थे. हाँ, बहुत अच्छा था. क्या मतलब, आप क्या जानते हैं? बिहार के लोग मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. यूपी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार भरा है. और मैं लिटरली यही चाहती हूँ कि बिहार के लोग भी बहुत ज़्यादा तरक्की करें और मतलब थोड़ा सा और बड़ा सोचें, थोड़ा वाइड सोचें, क्योंकि वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन इनकम, जो एवरेज इनकम जिसे बोला जाता है, दैट इज़ हार्डली 30-31,000 रुपीज़, विच इज़ वेरी सैड. वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी मूवीज़ को देखते हैं और हमारी मूवीज़ को देख के यू नो हमको आगे बढ़ाते हैं. तो मेरी दिल से ये चाहत है कि वो लोग बहुत आगे बढ़ें और दे शुड डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ. आज की यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. रानी है, गुंजन है, और कौन, विजय आनंद है, और आप सब लोग हैं. सो इट्स ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आजकल सेवा का काम कर रही हूँ. मैं कुछ सालों से एक अपना एनजीओ चला रही हूँ, जिस एनजीओ का नाम है पीस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. और दो शेल्टर्स हैं हमारे, एक पक्षियों का शेल्टर है जहाँ पर हम घायल पक्षियों की सेवा करते हैं, और एक दूसरा शेल्टर है बिल्लियों का, एक छोटा सा बंगलो है जिसमें हम जो इंजर्ड कैट्स होती हैं उनकी हम सेवा करते हैं. थैंक यू. बहुत बढ़िया है. आप कैसे हैं? पहली फिल्म का मुहूर्त हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू. आपको भी इस फिल्म के बारे में बताया. हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे मेरी एक फिल्म लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुई है. और इस फिल्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ पिछले 1.5 सालों से. बहुत लोगों के चेहरे पर मुस्कान चली गई और मुझे लगता है कि ये मुस्कान वापस आनी चाहिए और फिर से वो दिन वापस आना चाहिए जिसके लिए हम संघर्षरत रहते हैं. तो ये फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट फिल्म है ना, तेरी आँखों में वो जादू है. और प्रोड्यूसर ने बताया कि टाइटल प्रोड्यूसर ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने दिया है. हाँ. तो कुछ क्या आपके पास दिमाग में आया कि उस कोई फीमेल कोई दिमाग में आई थी जी, इस तरह का कुछ आपने जी सोचा? हाँ, फीमेल में जैसे जब मैं फिल्म करता हूँ तो हीरोइन आते हैं. रानी जी को देखा मैंने,
पाखी जी को देखा, गुंजन जी को देखा, जोया भी हैं, है ना, सब सब लोगों को देखा। मैं बोला यार इन, हाँ इनकी आँखों में क्या ऐसी बातें हैं, ऊपर वाले ने क्या दिया है जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं आँखों से, है ना, और क्या बोलूँ मैं, होठों से, है ना, क्या अट्रैक्शन है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये टाइटल जो है आज के डेट में पब्लिकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कंप्लीट फैमिली ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, हाँ ये सोचकर मैंने इस सब्जेक्ट को अपने राइटर को कॉन्सेप्ट दिया कि इस पर फिल्म करेंगे हम। किस किस कलाकार को अपना फाइनल किया है? विनय साहब फाइनल है, विनय आनंद, सुदीप पांडे फाइनल हैं, अपने प्रिंस सिंह राजपूत जो भोजपुरिया बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं वो फाइनल हैं, पाखी जी हैं, रानी जी हैं, गुंजन जी हैं, है ना, बहुत सारे आर्टिस्ट फाइनल हैं, लेकिन अभी भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको मुझे फाइनल करना है, तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि अभी डिस्क्लोज करूँ, दो चार पाँच दिन का मुझे भी टाइम मिलना चाहिए। मैं एक फिल्म कर रहा था जितेश दुबे साहब के साथ, मैं उनको सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके साथ मैं एक पिक्चर कर रहा था, मुन्नी बाई नौटंकी वाली, और इत्तफाक से उसमें हीरोइन थी रानी चटर्जी। तो जब उनका ससुरा बड़ा पैसा वाला देखा तो मुझे लगा कि इनको मैं कब डायरेक्ट करूँगा, कभी चांस तो मिले। मिल गया वो चांस। हाँ बिल्कुल, जोया ने ठीक कहा, वो चांस मुझे अभी मिला। ऐसा नहीं, उनको आइटम गर्ल के लिए एक फिल्म में मैंने कराया है, लेकिन एज ए फिल्म की हीरोइन मुझे इस फिल्म में चांस मिला। पाखी हॉट लग रही नहीं रही है सर, वो जब से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है तब से हॉट हैं वो, और मुझे लगता है जब तक रहेंगी तब तक हॉट रहेंगी वो, चाहे हाँ गुंजन तो ऑलरेडी सर वो हॉट हैं, उनके लिए क्या कहना है, बहुत हॉट है वो। और कोई सवाल सर? बस यही कि देखने वाले सारे अपने दर्शकों को दिल से प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सबसे पहले मैं अजय सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आपको इस फिल्म की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अच्छे से डायरेक्ट करें। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम इस फिल्म में जुड़ू या ना जुड़ू मुझे नहीं पता, लेकिन ढेर सारी आशीर्वाद देना चाहूँगी। तेरे आँखों में वो जादू है, और इन्होंने जिस जिस आर्टिस्ट को जैसे जैसे लोगों को कास्ट किया है, सच में उन सब आँखों में जादू है, तभी सबको मिला के ये एक आँखों में जादू बना के और आप लोगों के सामने पेश करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग भी इनको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी प्यार, ढेर सारी आशीर्वाद दीजिए कि ये अपनी फिल्म को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें और आप लोगों के सामने इसको रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेजेंटर हैं जितेश दुबे और अजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, और भोजपुरी फिल्मों की तुमने गाने हैं? काफ़ी मुझे सॉन्ग्स बहुत पसंद है भोजपुरी मूवी के, तो कुछ गाने मैं सुनता भी हूँ, और मेरे भाई हैं जितेश दुबे, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा उनकी मूवी के लिए। बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं टूर्नामेंट आ रहा है, आप थोड़ा किसी क्या करना चाहेंगे उस टूर्नामेंट के बारे में, साथ ही आईपीएल भी आने वाला है, और ये भी कहना चाहूँगा कि आप किस तरह से देखते हैं मतलब फ्यूचर क्रिकेट वर्ल्ड का? और डेफिनेटली वर्ल्ड कप टेस्ट चैम्पियनशिप आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इंडिया जीतेगी और 100% जीतेगी, मुझे ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट टीम है और ज़रूर जीतेगी। और बाकी आईपीएल आ रहा है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ अच्छा करने की। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।